बाद हम लोगों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया था। कार्य स्थगन प्रस्ताव की जो है मंजूरी हम लोगों को नहीं दी गई, बिना जाने हुए कि हम लोगों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव क्यों लाया है। और अभी उसके बाद जो है अच्छा चलो अरे चलो गलत बात मत छोड़ो ना, भ्रमित मत कीजिए जनता को। अरे कोई चीज ऐसा चल रहा है जो नहीं चलना चाहिए। बात को एक बार समझिए, जो कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया गया उसकी मंजूरी जो है नहीं दी गई, ये जानते हुए भी कि हमारे पास सबूत है और हमने जो एविडेंस जो सामने सुबह आज रखा था उसका कोई सरकार के पास उत्तर नहीं है, ना ही मंत्री के पास उत्तर है। ये अति महत्वपूर्ण जो है मसला है जिसको हम सब लोगों को जनप्रतिनिधियों को अधिकार है कि सदन में हम अपनी बात को रख सकते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा उसके बाद राज्यपाल महामहिम से हम लोग मिलकर के भी आए, बात को रखे। 2 बजे से स्वास्थ्य विभाग पर जो है वो चर्चा होनी थी। चर्चा होने के बाद जो राष्ट्रीय जनता दल का जो समय है, हर पार्टी को मांग पर कटौती प्रस्ताव के बोलने का अधिकार होता है, उस पर हम जब उठे बोलने के लिए तो ये कोई झुटला नहीं सकता, ये सच बात है कि नेता विरोधी दल का जो पद होता है वो संवैधानिक होता है। संविधान में मुख्यमंत्री और मंत्री होता है संवैधानिक पद पर, उप मुख्यमंत्री कभी भी संवैधानिक नहीं होता। लेकिन आप सुबह से लेकर शाम तक अगर आप देखिएगा तो हमको एक बार भी अपनी बात को रखने का मौका नहीं दिया गया, जो कि आज तक ऐसा नहीं हुआ। कई अति महत्वपूर्ण मुद्दे जो आते हैं उसमें आसन को ये पावर है, शक्ति है कि इसमें बोलने का मौका दिया जाता है, तो लगातार हस्तक्षेप किया गया। और हम जैसे स्वास्थ्य विभाग के मांग पर अपनी बात को शुरुआत किए, वैसे ही आपने देखा होगा कि कई लोगों ने टिप्पा टिप्पणी, बल्कि ऐसे मंत्री जो पहली बार बने हैं जिनको मरीद गरिमा मंत्री पद का नहीं पता है, ये एक सोची साजी बीजेपी की नीतीश जी की रणनीति है। पूरे दिन सुबह से गायब है नीतीश कुमार जी, जब उनके मंत्री पर इतने गंभीर आरोप ही नहीं बल्कि एविडेंस के साथ रखा जा रहा है। कहाँ है मुख्यमंत्री, मंत्री किसके हो, किसने बनाया उनको मंत्री, क्यों भाग गए नीतीश कुमार जी, क्यों नहीं है सदन में। और जो बीजेपी के लोग हैं पूरी तरीके से सदन में लोकतांत्रिक ढंग से जो लोकतंत्र का मंदिर है वो सदन भी चलने देना चाहते। आप लोगों ने भी देखा होगा अध्यक्ष ने मुझे 2 मिनट का समय दिया, हमने बोला कि 2 मिनट में हम अपनी बात रख करके खत्म कर देंगे, लेकिन कई ऐसे मंत्री हैं जो सदन आसन को जो है वो डिक्टेट कर रहे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और हमने क्या शुरू की, हमने मांग पे जब बहस की जब चर्चा शुरू हुई तो हमने शुरुआत ही ये कही कि भाई जैसे हमने शराब का जिक्र किया वैसे ही सब लोग उठ गए। हम क्या बोलने जा रहे थे कि शराब से शारीरिक आर्थिक सामाजिक नुकसान होता है, हेल्थ से जुड़ा हुआ भी मामला है। लेकिन एक शब्द के बाद हर शब्द जैसे हम बोल रहे वैसे बीजेपी के लोग जो खड़े हो जा रहे, जो मंत्री बने हैं उनको गरिमा का कोई पता नहीं कुछ नहीं वो भी खड़े हो जा रहे। अरे ये मंत्री हैं कहाँ, इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा, अब क्या चाहिए उनको, कौन सा एविडेंस चाहिए, हम बता रहे ले भाई एविडेंस जो चाहिए वो ले। सरकार में दम है, चुनौती दे रहे थे ना मंत्री, आए चुनौती स्वीकार करें ना, कहां भागे हुए, आए मुख्यमंत्री बहस कर ले। कई बार अति महत्वपूर्ण मुद्दे आते हैं तो बहस होती है, भले ही शेड्यूल हाउस का कुछ भी हो, जब ऐसे मसले होते हैं। हमने तो जाकर के स्पीकर से बोला कार्य मंत्रणा की बैठक बुलाइए,
या ऑल पार्टी मीटिंग जो होना है मंडे को वो अभी बुला दीजिए। एक बात नहीं हमारी रखी जा रही है। कार्य स्थगन प्रस्ताव के समय भी बिना सुने ही उसको कैंसिल कर दिया जा रहा है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है? इसलिए हम लोग गए थे महामहिम से मिलने, हम लोग जाकर के कंप्लेन किए और हमको जो अलॉटेड जो टाइम है उसमें भी बोलने नहीं दिया जा रहा। तो ये तो साफ तौर पे ये बीजेपी की एक स्ट्रैटेजी है, क्योंकि इनके जो मंत्री हैं बुरी तरीके से फंस चुके हैं और कोई चारा नहीं है कि ये बाहर निकल सके। उत्तर होगा तब ना बोलेंगे कि दो दिन के बाद बैठक में क्या करेंगे, सबूत को नष्ट करेंगे। बालिका गृह में कहते थे ना, क्या हुआ बालिका गृह में, क्या हुआ सृजन घोटाले में, क्या हुआ था आपका जो ये शिक्षा मंत्री बना दिए थे मेवालाल वाले में, मुकेश सहनी में क्या हुआ, उनके भाई जाकर के उद्घाटन करे, क्या कार्रवाई हो रही है भाई, जवाब ढंग से नहीं मिल रहा। तो इसलिए हम लोग इस लोकतंत्र के मंदिर में हमारा अधिकार है कि जो उज्ज्वलंत मुद्दे हैं, उज्ज्वलंत तो होगा ही जब किसी मंत्री पर शराब बिक्री को लेकर के, तस्करी को लेकर के आरोप लग रहे हैं और सबूत दिया जा रहा है, तो इससे अति गंभीर मसला क्या हो सकता है? आपको कुछ और लगता है इससे पूछने में? तो आप देखिए, गर्मा गर्मी तो हुई है दोनों तरफ से, लेकिन आप बताइए ना, जब हम उठे तो वो लोग क्यों बोलने नहीं दे रहे भाई हमको? सुबह से बोलने दिया गया? सुबह से बोलने ही नहीं दिया जा रहा। कार्य स्थगन प्रस्ताव लाओ, कुछ लाओ, और हमको क्या स्पीकर के बात का उल्लंघन किया जा रहा है? वहां स्पीकर जो होता है, जो आसन होता है, वही सब कुछ होता है। आसन बोल रहा है आप बोलिए, उधर से उप मुख्यमंत्री खड़ा होकर के बोलते हैं कि नहीं बोलेंगे। अरे उप मुख्यमंत्री का पद है क्या संविधानिक? चुनौती देते हैं किसी के पास? दिखा दे कहीं संविधान में लिखा है उप मुख्यमंत्री का पद अगर संविधानिक हो तो? और हमको झूठा ठहराया जा रहा है, बोल रहे कि नहीं उप मुख्यमंत्री पद का संविधानिक होता है, गलत कर रहे हैं, घूमना। बिना अज्ञानी लोगों को मंत्री बना दिया गया है, बिहार संभल नहीं रहा है, बिहार को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया, चौपट कर दिया, बेरोजगार कर लिया, भुखमरी के कागज पे है, महंगाई से मार, किसान तबाह, मजदूर तबाह, सरकारी कर्मचारी तबाह, स्वयं सहायक समूह तबाह, छात्र नौजवान महिला सुरक्षित नहीं। ये कहाँ है भाई नैतिकता की बात करने वाले मुख्यमंत्री, कहाँ थे पूरे दिन? आप समझ जाइए कितने गंभीर है शराबबंदी को लेकर के। इस मुद्दे को चलेगा जिस तरह से गतिरोध उत्पन्न हुआ है और आज जो घटना घटी है, लगता है कि अब सदन चल पाएगा? अरे आप हमको सदन में बोलने का मौका कहाँ दे रहे लोग? ऐसा कभी हुआ है कि अपोजिशन के लीडर को गिड़गिड़ाना पड़ रहा है कि दे दीजिए मौका, दे दीजिए, बोलने दीजिए? कभी देखे हैं क्या? ये जो लोग विपक्ष बीजेपी के लोग हैं वो लोग भी विपक्ष में रहे हैं, हम लोग भी पहली बार मंत्री बने थे, लेकिन हम लोग जो जवाब देते थे वो लोग भी हंगामा करते थे, लेकिन हम लोगों की बात को रखने नहीं दिया जा रहा। डर है ना, यानी किसी ना किसी चीज का डर है कि तेजस्वी यानी जो कह रहा है, जो सबूत पेश कर रहा है वो सच्चा है, और उसका कोई जवाब इनके पास नहीं है। सुबह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने 9 बजे किया, क्या किसी ने आपको एग्रीमेंट का पेपर दिखाया? क्या किसी ने ट्रांजैक्शन अकाउंट दिखाया? अगर एग्रीमेंट हुआ होगा तो आपके खाते में पैसा आया होगा या कटा होगा कहीं से, उसका जवाब मिला क्या? तो असल बात यह है कि लोग हताश है, निराश है। नीतीश कुमार जी जैसा कोई कमजोर मुख्यमंत्री पूरे देश में नहीं है, बेबस है, लाचार है, थके हुए हैं, बिहार नहीं संभल रहा है, पूरी तरीके से सिस्टम जो है चरमरा सी गई है। अब अतः झूठे जवाब दिए जा रहे सदन के अंदर, तो ऐसे कैसे सदन चलेगा? सवाल यही है कि विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है या सुबह से जो ये मुद्दा गरमाया हुआ है, मुद्दे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन तक नहीं पूछने दिया जाता है?
आपके विधायक जिनको उन्होंने कहा कि मुझे जात सूचक शब्द कहे, दलित मानसिकता, मेरा अपमान किया है, अगर नेता प्रतिपक्ष मुझे इजाजत देंगे तो मैं एससी एसटी का मुकदमा कराऊंगा जिन्होंने उन्हें जात सूचक। आपका देखिए देखिए सबको स्वतंत्र है इस चीज को लेकर, अगर किसी को अपमानित किया गया है तो उसका अधिकार बनता है कि केस मुकदमा कर सकते हैं। लेकिन ये भी देखने वाली बात है कि विधानसभा परिसर में क्या ये नियम लागू होता है कि नहीं होता है एफआईआर करने का, तो इस पे तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन स्पष्ट बात है कि सरकार के लोग डरे हुए हैं, लेकिन जो ये बात समझ जाए सब लोग, सरकार के लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। और हमने तो ये सदन में भी कहा कि जैसे खड़े होते उठने दो शब्द बोलते वैसे कपकपी होने लगती है लोगों को, करंट लगने लग जाता है, लोग खड़े होकर के पता नहीं क्या बोल देगा, क्या दिखा देगा, सरकार बेइज्जत हो जाएगी, खत्म हो जाएगा सब कुछ, इसलिए मामले को नहीं। अच्छा बताइए, जब स्पीकर ने दो मिनट हमको समय दिया तो उप मुख्यमंत्री कौन है भाई रोकने वाले? इज ही हैव एनी पावर? और ही हैज स्पेशल पावर टू डिक्टेट द स्पीकर? दिस इज अ वेरी शेमफुल इंसिडेंट। अब आप समझ जाइए, ऐसे ऐसे लोग इतने बड़े जिम्मेदारी के पद पे हैं तो क्या हो रहा है? मंत्री ही शराब की बिक्री करवा रहा है, सबूत होने के बाद भी नीतीश कुमार असहाय है। अब क्या पता क्यों ऐसा हो रहा, नहीं हो रहा भाई, जवाब देने के लिए कोई होना चाहिए ना। ये मुद्दा गंभीर है। लेकिन सदन में जो नौबत आई आज एक तरह से मारपीट की नौबत, क्या इसकी फिर पुनरावृत्ति हो सकती है? अगर आप ये विधायक दल के नेता हैं, अगर आपने सदस्यों का अगर नहीं समझाएंगे, सत्ता पक्ष नहीं समझाएगा, तो फिर जो स्थिति हुई है तो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है ना। लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं तो सब लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन बात भी तो होनी चाहिए ना। आप बात करने नहीं दे रहे, आप कार्यमंत्रिता की बैठक नहीं बुला रहे हो, आप ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुला रहे, फिर भी बुला रहे हैं, बुलाइए, समाधान कीजिए। हम तो इसी चीज को लेकर के गए।